वंदे टुडे वी विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ ट्वेल्थ चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ एंड द सेकंड पार्ट ऑफ ट्वेल्थ चैप्टर इज द कंटिन्यूटी ऑफ पार्ट वन वीडियो तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या करेंगे ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे ओके okay? और इसमें क्या देखेंगे तो इसमें सबसे पहले देखेंगे चेंज ऑफ टेंसिस यानी टेंसिस होते हैं, उसको अपने चेंज कैसे करते हैं बदलते कैसे एक से दूसरे टेंस में ओके वी नो दैट देर आर in English. इन इंग्लिश forms फॉर्म्स in इन दिस are तो अपने को पता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट में कितने टेंसिस हैं ट्वेल्व टें बराबर और इन ट्वेल्व टेंसेज में वर्ब फॉर्म्स कौन से यूज होते हैं तो वो यहाँ पे देखेंगे तो देखो पहले प्रेजेंट सिंपल उसमें क्या आएगा V1 वन प्लस एस और इस्ट टू में v2 फ्यूचर सिंपल में विल और शेल प्लस वी वन प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज और एम और आर प्लस वी वन आई एन जी पास्ट कंटिन्यूस में वॉज और वेर प्लस वी वन आई एन जी फ्यूचर कंटिन्यूस में विल और शेल प्लस बी प्लस वी वन आई एन जी प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव प्लस वी थ्री पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वी थ्री फ्यूचर परफेक्ट विल और शेल प्लस हैव प्लस वी थ्री Present perfect continuous has or have plus been plus v1 ing. Past perfect continuous had been plus v1 ing. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी। तो ऐसे ये सारे हैं जो बराबर ट्वेल्व टेंसिस इसमें वर्ब फॉर्म्स ऐसे यूज होंगे किस आ, कितने में वी वन कितने में वी टू और कितने में वी थ्री आएंगे ओके समझ में आ गया अब नेक्स्ट क्या है नाउ वी शेल डील विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सिंपल कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंसेस तो अब अपने क्या देखेंगे कि अपने कैसे बदलते हैं सिंपल कंटिन्यूस और परफेक्ट सभी टेंसेस को तो पहला देखो चेंजिंग इनटू प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल में कैसे बदलोगे तो वी वन प्लस एस और ई एस तो देखो he won the race won है वो क्या है v2 इसको v1 में कैसे लाएंगे he wins the race तो v1 प्लस s आ गया i was reading the newspaper continuous tense है इसको देखो i read the newspaper तो ये v1 आ गया the boy plucked the flowers ये क्या हो गया ये परफेक्ट हो गया द बॉयज प्लक फ्लावर्स प्रेजेंट सिंपल में चेंज कर दिया अब क्या है चेंजिंग इन टू पास सिंपल आई गो टू सी द सर्कस गो का वेंट कर देंगे आई वेंट टू सी द सर्कस आई एम प्रिपेरिंग टी फॉर माई फ्रेंड्स आई प्रिपेयर टी फॉर माई फ्रेंड्स

He we went to see a movie. We shall go to see a movie. they will or shall plus V1 Hogya? To change ho gaya na. Up fourth. Changing into present continuous. Is or am or R plus V1 I N G. His grandpa had died. His grandpa is dying. I have taken my breakfast. I am taking my breakfast. Were they telling lies? आर दे टेलिंग लाइस तो आर और टेलिंग तो ये हो गया देखो इज और आई एन जी वी वन प्लस आई एन जी एम वी वन आई वी वन आई एन जी और चेंजिंग इन टू पास कंटिन्यूस और वेर प्लस वी वन आई एनजी आई स्पीक द ट्रूथ आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ वी डू नॉट ट्रस्ट हिम वी वेर नॉट ट्रस्टिंग हिम

तो देखो यहाँ पे हैज और हैव है प्लस वी थ्री ये वाला है शी सिंग्स अ सॉन्ग शी हैज संग अग आई रेड माई वर्क आई हैव डन माई वर्क इज नॉट चीटिंग यू ही हैज नॉट चीटेड यू चेंज हो गया अब क्या है चेंजिंग इन टू पास परफेक्ट हैड प्लस वी थ्री हे डेड नॉट स्पीक द ट्रूथ ही हैड नॉट स्पोकन द ट्रूथ दे आर बाइंग अ कार्ड They had bought a car. She helped the old woman. She had helped the old woman. Had plus V3. Right. Up changing into future perfect. Will or shall have plus V3. She will cook the dinner. She will have cooked the dinner.

टेस्ट योर सेल्फ री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एस डायरेक्टेड तो नीचे सेंटेंस दिए है उसके बाजू में आपको दिखा रखा है एक्सक्लामेट्री तो इस सेंटेंस को आपको एक्सक्लामेट्री में करना है ये क्या है आ, सेंटेंस इसको नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव में ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे जो आपको दे रखे है डायरेक्शन बराबर उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चेंज करना है वो ओके okay, तो चेंज करे फर्स्ट वन द साइट इज वेरी ब्यूटीफुल एक्सक्लामेटरी में करना है वॉट अ ब्यूटीफुल साइट मॉम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग नेगेटिव में करना है मॉम डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई प्रीफर टी टू मिल्क इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में डू आई प्रीफर टी टू मिल्क फिर फोर्थ वन क्या है दिस द डॉग डज नॉट व नाइट एफिव में धॉग वांडर ऑल द नाइट हाउ मीन ही इज एस टिव में करना है ही इज वेरी मीन फिर क्या है द विराट कोहली इज द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इंट्रोगेटिव में करना है इज विराट कोहली द बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट माई सिस्टर रोट अ ब्यूटिफुल पोयम नेगेटिव में करना है माई सिस्टर डिड नॉट राइट अ ब्यूटिफुल पोयम वॉट अ प्रिटी गर्ल शी इज एस टिव में करना है कौन सा एक्सक्लामेशन में है शी इज वेरी अ वेरी प्रिटी गर्ल द वेदर इज वेरी प्लेजेंट एक्सक्लामेटरी में करना व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज शी रोट अ लेटर नेगेटिव में करना है शी डिड नॉट राइट अ लेटर Fear next. The hunter did not kill the doe. Affirmative maker. Nahi. The hunter killed the doe. What a beautiful bird. Assertive maker. Nahi. The bird is very beautiful. It is a very fine picture. Exclamatory maker. Nahi. What a fine picture it is. Fear. फोर्टीन वॉटर फुल हीसक्मेटरी में है एसोटिव में, में करना है ही इज अग फुल रोहन डज नॉट रन वेरी फास्ट नेगेटिव में है एफमेटिव में करना है रोहन रन वेरी फास्ट अब क्वेश्चन टू क्या है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड ऊपर के जैसे ही करना है पर यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आपको टेंस में चेंज करना है ओके दे विल प्ले फुटबॉल द फ्यूचर सिंपल में है किस में बनना करना है प्रेजेंट सिंपल में दे प्ले फुटबॉल हु मैड डॉग पास सिंपल में करना है हु किल्ड द मैड डॉग फिर वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग फ्यूचर सिंपल में करना है वी शेल प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग द ओल्ड मैन है प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना है द ओल्ड मैन इज डाइंग फिफ्थ वेर डज योर अंकल लिव पास कंटिन्यूस में करना है वेयर वज योर अंकल लिविंग सिक्स क्या है शी गोज फॉर अ वॉक फ्यूचर कंटिन्यूस में करना है शी विल बी गोइंग फॉर अ वॉक सेवेंथ यू डिड नॉट टेल अ लाइव प्रेजेंट परफेक्ट में करना है यू हैव नॉट टोल्ड अ लाइव एट आई मेट हिम इन दार्क पास परफेक्ट आई है पार्क फिर नाइन्थ वन क्या है नमित इज टेकिंग हिज मिल्स किस में चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट में नमित विल हैव टेकन हिज मिल्स वी आर लर्निंग अवर लेसन प्रेजेंट सिंपल में चेंज करना है वी लर्न अवर लेसन फिर इलेवेंथ आई हैम वर्क प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है आई एम डूंग माई होमवर्क हु ब्रोक द विंडो पेन प्रेजेंट परफेक्ट में करना है हुन द विडो पेन शी इज पेंटिंग अ पिक्चर पास्ट सिंपल शी पेंटेड अ पिक्चर फिर फोर्टीन दे प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग पास्ट कंटिन्यूस में करना है कैसे करोगे दे वेर प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग शी फिनिश्ड हर वर्क ऑन टाइम किसमें करना है पास्ट परफेक्ट में शी हैड फिनिश्ड हर वर्क ऑन टाइम तो समझ में आ गया ऐसे करना है तो इसके साथ अपने ट्वेल्थ चैप्टर को कंप्लीट करते हैं ओके समझ में आ गया आप सबको क्या करना है कि वर्ब फॉर्म के टेंसी वाला जो है ना टेबल उस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है लर्न करना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में भी लिख, लिख लिखना है और जो भी एक्सरसाइजेस है उसको अच्छे से समझ के एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है समझ में आ गया? ओके वंदे मातरम